A very good morning, students. Last time in the video we have discussed about the differentiation. ठीक है, what is the process of the differentiation? In case अगर आप लोगों ने वो वीडियो वॉच नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक छोड़ दूंगा, तो पहले उस वीडियो को वॉच करो, क्लियर है? तब जाकर के आपको ये थ्योरम्स अंडरस्टैंड होंगी, क्लियर हुआ है? तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज नथिंग बट इट इज द बेसिक थ्योरम्स ऑफ द डेरिवेटिव. अब देखो, डेरिवेटिव को हमें सॉल्व करना है. डेरिवेटिव के बारे में तो हमने पता कर लिया कि भाई डेरिवेटिव होता क्या है, कैसे हम कहाँ पे इसका यूज करते हैं. अब इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ एक फंडामेंटल थ्योरम्स हैं. अब इन्हीं थ्योरम से रिलेटेड हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट थ्योरम है हमारे पास डेरिवेटिव की, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट. तो ये फंक्शन हमने कल डिस्कस किया था भाई, इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, ऑपरेटर बोला जाएगा. ठीक है, क्या बोला जाता है, ऑपरेटर होता है. ऑपरेटर का काम क्या होता है, किसी एक फंक्शन को चेंज करके दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है, और रेट कैसे करेंगे इस फंक्शन को हम, रेट ऑफ चेंज ऑफ, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ. तो सबसे पहले जो थ्योरम है हमारे पास, डी अपॉन डी टी, सॉरी नॉट डी टी, डी एक्स, डेरिवेटिव ले रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस. ठीक है, ऑफ कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट. मान लो किसी भी कांस्टेंट टर्म का हमें डेरिवेटिव करने के लिए बोला जाता है, तो जब हम डेरिवेटिव किसी कांस्टेंट का करते हैं तो उसका आंसर हमेशा किसके इक्विवेलेंट होगा, जीरो के इक्विवेलेंट होगा. ठीक है, क्योंकि भाई कांस्टेंट टर्म कभी भी चेंज नहीं होती है. इन केस अगर मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे भी 2 मीटर पर सेकेंड, तो हर एक पॉइंट पे अगर देखोगे तो इसकी स्पीड जो है कॉन्स्टेंट ही है. जब भाई चेंज ही कुछ नहीं आया तो डेरिवेटिव तो उसी चीज को बताता है. डेरिवेटिव का फंक्शन क्या है कि भाई छोटे से इंटरवल में कितना चेंज आ रहा है, एक छोटे से इंटरवल में उसकी वैल्यू कितनी है, किसी फंक्शन, जो फंक्शन है आपका चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो कितना चेंज आ रहा है. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई चेंज तो कुछ भी नहीं आ रहा है. जब चेंज कोई भी नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है तो वो कॉन्स्टेंट ही टर्म, यहाँ पे वैल्यू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे वैल्यू कॉन्स्टेंट है, तो डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट विल कम टू बी व्हाट, जीरो. डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट किसके बराबर हो गया, जीरो के बराबर हो गया, क्योंकि भाई डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली कोई वैल्यू चेंज ही नहीं होगी. जब चेंज नहीं होगी तो उस टर्म की डेरिवेटिव किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा. सेकंड हमारे पास थ्योरम आती है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू पावर एन. ये थ्योरम आपके पूरी की पूरी फिजिक्स में बड़ी ज्यादा काम आएगी. ठीक है, द फंडामेंटल थ्योरम. इसी थ्योरम के बेस पर हम बड़े ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डेरिवेशंस में हम इनका यूज करेंगे. ठीक है, तो जब भी आपको डेरिवेटिव पूछा जाता है x raised to power n, x कोई भी फंक्शन हो सकता है, n is the power. ठीक है, तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो आंसर जो होगा इसको सोल्व करने के बाद वो भरेगा हमारे पास एन, पावर पहले लिख लेंगे एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, क्या हो जाएगा n x raised to power n minus 1. क्या किया हमने, जो पावर थी उस पावर को हमने नीचे लिख लिया, मल्टीप्लाई कर दिया इस फंक्शन के साथ, और जो एक्चुअल में पावर थी उसमें 1 माइनस हो जाता है. डेरिवेटिव में एक क्वांटिटी लेस चलती है इसको. ठीक है, यानी कि 1 अमाउंट से ये वैल्यू कम होती चली जाती है. नाउ इसके बाद क्या करोगी, जो बेसिक फंक्शन है, दिस इज द बेसिक फंक्शन, x है ना बेसिक फंक्शन आपके पास, और इसका फिर से डेरिवेटिव आपको लेना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ एक्स. फिर से हमने डेरिवेटिव ले लिया इसका, यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, तो फिर से डेरिवेटिव लिया तो dx upon dx एक दूसरे के साथ तो कैंसल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली वी कैन राइट दिस फंक्शन एज एन एक्स इज टू पावर एन माइनस वन. यानी कि द डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज टू पावर एन जो होगा वो किसके बराबर होगा, एन एक्स इज टू पावर एन माइनस वन. बट दिस इज द प्रोसेस ऑफ द डेरिवेटिव. इस चीज को याद रखना है, इन केस मान लो आपके पास इस एक्स की जगह कोई और फंक्शन होगा. ठीक है, जब कोई और फंक्शन होगा तो यहाँ पे हम इसको कैंसल आउट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, जैसे जैसे हम इसमें न्यूमेरिकल टास्क करेंगे तो उसमें आप बेटरली अंडरस्टैंड कर जाओगे, तो हम इसको यहाँ पे कैंसिल आउट कर रहे हैं और कुछ एक फंक्शन में उसको कैंसिल आउट नहीं कर पाते हैं. फिर बार तो थर्ड हमारे पास आता है, थर्ड थ्योरम जो हम बेसिकली यूज करते हैं इनके टू द डेरिवेटिव, दैट द डेरिवेटिव ऑफ द टू डिफरेंट फंक्शंस व्हिच आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर, एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं.
यू इज द फर्स्ट फंक्शन, बी इज द अनदर फंक्शन. यू और बी की जगह हम कोई भी फंक्शन यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि यू और बी ही रहेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे यू की जगह कोई और फंक्शन हो सकता है, वी की जगह कोई और फंक्शन हो सकता है. तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक थ्योरम है हमारे पास कि अगर इन केस ऐसे कोई फंक्शन आते हैं हमारे पास जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन हमें उनका डेरिवेटिव सॉल्व करना है, ठीक है, तो उसका रिजल्ट जो होगा उसको हम इस तरीके से लिखते हैं. कैसे? यू इंटू डेरिवेटिव ऑफ बी. फर्स्ट फंक्शन लिया, उसको ऐसे अच्छी रन दिया और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन. ये है सेकंड फंक्शन, आपने माना बी और इसको ऐसे चरण दिया और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया. सिंपल सा कंसेप्ट है ये. तो दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ द टू क्वांटिटी व्हिच आर मल्टीप्लाइंग टू ईच अदर. इसको थोड़े से सिंपल वे में हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे मान लो यू को मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, बी को मैंने सेकेंड फंक्शन मान लिया, ठीक है. ये थोड़ा सा तरीका है याद करने का, मुझे काफी अच्छा लगता है, तो इसी वे में मैं इसको याद रखा हुआ मैंने, ठीक है. तो कैसे याद रखेंगे? फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है. तो इसी वे में हम क्या करते हैं, इसको याद रख सकते हैं, ठीक है. जैसे आपकी इच्छा होगी, जैसे आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं. तो मैंने तो इस तरीके से याद किया हुआ है, भाई फर्स्ट फंक्शन दे दिया, दूसरे को सेकंड फंक्शन दे दिया, इस तरीके से क्या होता है, इजी रहता है याद करने के लिए. बात है, तो ये आ गई हमारे पास जो थर्ड बेसिक थ्योरम है जो यूज होगी हमारे डेरिवेटिव्स में. फोर्थ जो हमारे पास थ्योरम आएगी, दैट इज वन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, डेरिवेटिव ऑफ बी अपॉन यू, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, बी अपॉन यू. क्लियर बात. अब ये दो क्वांटिटी आपस में क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है. अब जब दो डिफरेंट फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं और उनका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है हमें, तो उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे? तो इस डेरिवेटिव कम्स आउट टू बी डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को हम पहले लिख देंगे यहाँ पे, बात समझ आए. डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने पहले लिख दिया इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर. न्यूमिनेटर क्या है, वी फंक्शन है न्यूमिनेटर, ठीक है. माइनस, जब डिवीजन की वैल्यू बात आएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे. तो यहाँ पे फिर क्या बनेगा हमारे पास, वही न्यूमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर्स का स्क्वायर. ये थोड़ी बेसिक थ्योरम है. सी क्या किया हमने, भाई डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर के फंक्शंस में अलग दो वैल्यूज आती है हमारे पास, तो मैंने क्या किया, फर्स्ट डिनोमिनेटर का सच लिख दिया, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लिखा, माइनस है इसी की तरह इससे भाई फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, ठीक है, इनटू न्यूमिनेटर ऐसा और डिनोमिनेटर का स्क्वायर. पहले फर्स्ट टाइम क्या करोगे आप, किसका, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे, दूसरी बार क्या करोगे भाई, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लोगे और होल डिवाइडेड बाय यू स्क्वायर. तो सिमिलर वन, यहां पे प्लस का साइन है, यहां पे माइनस का साइन है, ठीक है, बाकी इसमें कोई डिफरेंस नहीं है. तो दीज आर द सम ऑफ द फंडामेंटल थ्योरम व्हिच वी यूज फॉर द डेरिवेटिव्स. जितने भी हम फिजिक्स पढ़ेंगे उन सारे के सारे फिजिक्स में हम इन फंडामेंटल थ्योरम्स का ही यूज करेंगे. क्लियर बात. तो ये फंक्शंस हैं, ये आप लोगों ने याद करने हैं जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके बिना आप लोग पूरे के पूरे फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे. हर एक टॉपिक, हर एक आर्टिकल समय यहाँ इनका कोई ना कोई एनरोलमेंट जरूर होगा. क्लियर हुई बात ये. थैंक यू ऑल.